नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। जी हां, अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल जारी है। देश भर में छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर बिहार हो। सड़कों पर उतर कर खुलेआम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, देश के कई राज्यों से तस्वीर जो आई है वो तो डराने वाली है। सीधे सीधे तौर पर बसों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, तो वहीं ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया जा रहा है। ट्रेनों को, बसों को, गाड़ियों को जो मिल रही है उसको आग के हवाले किया जा रहा है। और इसके साथ ही देखने को मिला बिहार के हालात सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर लगातार छोटे बच्चों को भी, जी हाँ, निशाना लगाया जा रहा है। स्कूल से भरी एक बस जा रही थी जिसमें तोड़फोड़ की गई और बच्चों को बहुत ज्यादा चोटें भी आई हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हालात इस वक्त सरकार के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि सरकार जो 4 साल की स्कीम लेकर आई है, इस 4 साल की स्कीम से युवा में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? छात्रों का लगातार प्रदर्शन देख क्या वाकई मोदी सरकार के पसीने अब छूटते नजर आ रहे हैं? बीजेपी नेताओं में इस वक्त अफरा तफरी। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेता इसे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोदी सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है, ये स्कीम बहुत बेहतर है और इससे देश के युवाओं को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत बड़ी स्थिति अब देश में बन गई है। जी हाँ, देश में एक और जहां देखने को मिला कि अभी कुछ समय पहले दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, तो वही देश में एक बार फिर से युवाओं का सड़कों पर प्रदर्शन दिखता नजर आया। तो देश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। देश के लगातार हालात को खराब देखकर बीजेपी नेताओं के माथे से पसीना तो चू ही रहा है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह भी दिया जा रहा है कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या वाकई मोदी सरकार का गिरना तय है? क्या वाकई मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों का कहना है कि अब वो सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि छात्रों को लगातार, जी हाँ, लॉलीपॉप देने का काम ये सरकार कर रही थी। सीधे तौर पर यह देखा गया है कि 4 साल का मतलब ही लॉलीपॉप है। हालांकि सेना के कई बड़े अधिकारियों का बयान सामने आया है। सेना के कई बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि 4 साल बाद इन बच्चों का प्रमोशन किया जाएगा। इन बच्चों को प्रमोशन के तहत 25% बच्चों का प्रमोशन किया जाएगा। अगर 25% का प्रमोशन किया जाएगा तो जो बाकी बचे वो कहाँ जाएंगे? वो तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष का साथ इस वक्त छात्रों को तो मिल ही रहा है, और छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार के बहकावे में अब नहीं आएंगे और सरकार को इस जो भर्तियां निकली है इसे परमानेंट करना पड़ेगा। तो लगातार सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, और ऐसे में हालात खराब होते देख बीजेपी नेताओं के माथे से पसीना चूता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।